ओम श्री गणेशाय नमः। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल एस्ट्रो एंड यू में। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने बात करी थी एंजल नंबर क्या होते हैं और ये हमारे जीवन में किस प्रकार कार्य करते हैं। ये जानकारी के साथ साथ हमने ये भी जाना था कि एंजल नंबर 1176 क्या है। ये काफ़ी पावरफुल एंजल नंबर है दोस्तों। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी है तो आप आई बटन में इसको देखें, वहाँ पर आपको ये मिल जाएगी। तो आज भी हम एंजल नंबर की ही बात करेंगे। आज एक ऐसे एंजल नंबर की बात करेंगे जो आपका अपना पर्सनल एंजल नंबर है, यानी कि वो आपका अपना पर्सनल, आपकी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग वो एंजल नंबर निकलेगा और वो आपका एंजल नंबर होगा। प्रारंभ करेंगे आज का ये वीडियो। हमेशा की तरह मेरा आपसे यही निवेदन होगा कि आप वीडियो को पूरा देखें और पूरी जानकारी के साथ साथ ही जो भी प्रयोग हमारे वीडियो के द्वारा आपको दिए जाते हैं उन्हें आप पूरी जानकारी के साथ करें। कई बार क्या होता है, लोग वीडियो स्किप करके देखते हैं, पूरी जानकारी लेते नहीं हैं और उनका जो भी प्रयोग करते हैं वो आधा अधूरा रह जाता है। तो इस प्रकार आप ना करें, पूरा वीडियो देखकर पूरा ही उसको आप सही से समझें, उपाय किस तरीके से करना है और उसी प्रकार से उसे प्रयोग में लाएं। तो अब बात करते हैं एंजल नंबर जो आपका पर्सनल होगा। इसकी बात करने से पहले आपसे हमेशा मेरा यही निवेदन रहता है कि आप वीडियो को पूरा देखकर कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय अवश्य लिखें, जिससे भगवान भोलेनाथ की कृपा हम सब पर बनी रहे। तो दोस्तों, जो आपका पर्सनल एंजल नंबर है ये आपकी ईयर ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग निकलेगा। अब आपकी ईयर ऑफ बर्थ सपोज कीजिए 1985 आपकी ईयर ऑफ बर्थ है, आपकी डेट ऑफ बर्थ है 16 सितंबर 1985, तो आपका जो ईयर ऑफ बर्थ है हो गया वो 1985 हो गया। तो अब आपको 1985 को सबको अलग अलग प्लस कर लेना है, 1 + 9 = 10 + 8 = 18 + 5 = 23 हो गया, टू डिजिट में आ गया ये। अब इन टू डिजिट को आप 2 + 3 करके एक सिंगल डिजिट हो गया 5। इस प्रकार से आप कर लेंगे पूरी अपनी ईयर ऑफ बर्थ को अलग अलग जो न्यू नंबर उसमें है 1985 चारों को प्लस कर लेंगे। उसके पश्चात जो भी उनका टोटल आता है उनको आप सिंगल कर लेंगे। अगर वो सिंगल ही आ रहा है तो सिंगल तो आएगा नहीं, अगर आ रहा है तो ठीक है, अगर नहीं आ रहा है 15 आ रहा है तो 1 + 5 = 6 हो गया, 23 आ रहा है तो 2 + 3 = 5 हो गया। इस प्रकार से आप इसको टोटल कर लेंगे। अब हमने बात करी ईयर ऑफ बर्थ 1985 के बारे में। 1985 अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ है, ईयर ऑफ बर्थ है, तो अब आपका एंजल नंबर जो बनेगा वो क्या बनेगा, 1 + 9 = 10 + 8 = 18 + 5 = 23, 2 + 3 = 5, ये आपका सिंगल डिजिट आ गया। अब आपको इसमें एंजल नंबर निकालना है। अब आप एंजल नंबर कैसे निकालेंगे, इसके लिए अगर आप पुरुष हैं, यदि आप पुरुष हैं तो आप इसको 11 में से माइनस कर लेंगे। 11 में से माइनस करा 5 तो हमारे पास डिजिट आई 6। तो 6 क्या हो गया, हमारा एंजल नंबर हो गया पुरुष के लिए। पुरुष के लिए जो एंजल नंबर हो गया 1985 की डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग, उसका एंजल नंबर हो गया 11 - 5 = 6। 6 इसका एंजल नंबर हो गया मेल का। अब बात करते हैं फीमेल के लिए, लेडीज के लिए क्या करना है आपको, इसमें 4+ कर देना है। जो भी आपका सिंगल डिजिट आया, आपका 1985 के अकॉर्डिंग 5 सिंगल डिजिट आया था, तो आप 5 सिंगल डिजिट पे 4+ कर देंगे तो आपका 9 हो जाएगा। ये 9 हो गया फीमेल के लिए एंजल नंबर। अब आपको यह एंजल नंबर जो है इसका प्रयोग कैसे करना है, ये आपको अपनी हथेली पर लिखना है। आप अपनी हथेली पर ये एंजल नंबर लिखेंगे, ग्रीन पेन से आप ये नंबर लिखेंगे, ग्रीन पेन से इस एंजल नंबर को आपको लिखना है। तो जैसे 11 - 5 = 6 सपोज करो मेरा एंजल नंबर आया, तो मैं अपना जो एंजल नंबर है उसे अपने लेफ्ट हैंड में इस जगह पर लिख दूंगा और उसको सर्कल कर देना है। लेफ्ट हैंड में इस जगह पर लिखकर
सिक्स लिखा, उसे सर्कल कर दो। और अब आपको इस प्रकार से जो भी आपकी विश है, जो भी आपकी विश है, आप इस प्रकार इसे बोलें कि मैं कुछ भी आप चाहते हैं, जो भी आपको लाइफ में चाहते हैं। कोई स्टूडेंट है, वो कोई परीक्षा पास करना चाहता है कि मैं फलानी परीक्षा पास कर रहा हूँ, आपको इस तरीके से बोलना है। बोलना किस तरीके से वो मैंने लास्ट वीडियो में बताया, वो आपका उसका आई बटन में लिंक मिल जाएगा, आप उसमें देख लीजिएगा। तो इसमें आपको इस प्रकार बोलना है, इसको देखना है और देखकर आपको बोलना है कि सपोज कोई स्टूडेंट किसी परीक्षा में पास होने के लिए विश करता जाए तो वो यही बोलेगा कि मैं फलानी परीक्षा में पास हो रहा हूँ। किसी की अच्छी जॉब के लिए है, कोई इंटरव्यू देने कहीं जा रहा है तो वो ये सोचेगा कि मैं आज ये इंटरव्यू पास कर रहा हूँ। या किसी का कोई भी विश हो, इस प्रकार से आपको बोलना है, उसको प्रेजेंट में ला के ही बोलना है। ये लास्ट वीडियो में भी मैंने बताया था और हर वीडियो में एंजल नंबर को आपको इसी प्रकार से प्रयोग करना है। तो इस प्रकार आप इस एंजल नंबर से अपनी सारी विशेज पूरी कर सकते हैं। और दूसरा, आपका कोई विश थी, सपोज आपने कोई विश करी थी वो पूरी नहीं हो पाई, तो आप इसे क्वेश्चन भी कर सकते हैं कि ये क्वेश्चन, ये विश मेरी क्यों नहीं पूरी हुई। जो भी आपकी विश थी जो पूरी नहीं हुई, तो वो क्यों नहीं पूरी हुई, उसके लिए आपको सही रूट मिल जाएगा। ये खास एंजल नंबर है दोस्तों, इसको कुआं नंबर भी बोला जाता है। और इसका ये बहुत आसान तरीका निकालने का, आप अपने डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग इसको निकाल सकते हैं, ईयर ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग, और इसका प्रयोग करें। इससे आपको निश्चित ही शुभ फलों की प्राप्ति होगी। तो यही इस वीडियो में जानकारी खास। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो आप वीडियो को अवश्य लाइक करें और इसे अपने दोस्तों के साथ भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे उन्हें भी ये जानकारी मिलती रहे। यदि आप पहली बार इस वीडियो इस चैनल पर आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में लगे बेल बटन को अवश्य दबाएं, जिससे हमारे आगामी इस प्रकार के वीडियोज़ की जो भी नोटिफिकेशन होंगे वो आपको जल्द से जल्द मिल पाएंगे। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।